नई ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने के बाद दिल्ली में लॉकडाउन। वजीर सेहत सत्येंद्र जैन ने कहा है कि हिंदुस्तान में 23 केसेस रिपोर्ट हुए हैं जिनका ताल्लुक कोविड-19 के ओमिक्रॉन मुख्तलिफ किस्म से है। उनमें से एक मामला दिल्ली का था जिसमें जेर बहस मरीज को लोकनायक अस्पताल में दाखिल कराया गया था। कौमी दारुल हुकूमत में पहली बार ओमिक्रॉन किस्म का पता चलने के चंद दिन बाद दिल्ली के वजीर सेहत सत्येंद्र जैन ने लॉकडाउन के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। पिछले हफ्ते इंतजामिया ने लोकनायक अस्पताल के कई वार्ड्स को ओमिक्रॉन वेरिएंट से मुतासरा कोविड-19 मरीजों के इलाज और इलाज के लिए मुख्तस किया था। मुतासरा ममालिक के तमाम बैनुल अक्वामी मुसाफिरों का अब दिल्ली में टेस्ट किया जा रहा। जैन ने मीडिया को बताया कि अब तक 27 को LNJP अस्पताल लाया गया, उनमें से 17 का टेस्ट मुस्बित आया है और 10 उनके करीबी रबते में है। 17 में से 12 लोगों के जेनोम सिक्वेंसिंग की गई है और उनमें से एक में ओमिक्रॉन पाया गया है। और जैन ने मीडिया को बताया कि दिल्ली हुकूमत ने अब केस लोड और मुस्बित की शरह की निगरानी के लिए एक ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान बनाया है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा ताज़ा अपडेट मिलती रहे।